रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सब जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। देश से प्यार करने वाले बहुत हैं, पर जो देश के लिए मर मिटे, बात तो उसमें है। और ऐसे एक नहीं, ढेरों परिवार हैं यहाँ। भारत के अंदर समाया एक छोटा भारत, अपना द्वारा घाट। तूने तो बोला था आर्यन सर का राहु है, इन्हें खबरों में लाएगा, लेकिन मुझे तो लगता है थोड़ी देर में हम यहाँ खबर बनने वाले हैं। अब देखना, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉम्ब होगा। नोट, बम आएगी तकरीबन 1 किलो, मारक क्षमता 500 मीटर। इसका मतलब? मतलब सब उड़ेंगे। ये ढाबा और अंदर के सारे बंद है। बॉम्ब स्क्वाड की पोजीशन? सिर्फ 10 मिनट सर। नहीं, ये बम उससे पहले फट जाएगा। एक, दो, तीन। द्वाराघाट बहुत ही खूबसूरत जगह है। पता है सर, पर इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आप अपनी जान पे खेलो। इससे बीता हुआ कुछ बदलने वाला नहीं है। छोड़ शक चाहते हैं। सर, नो रिटर्न।
हटो, अंदर जाओ बच्चे, अंदर जाओ, मूव, सब अंदर जाओ। Submission successful रहा। Bomb has been terminated and zero casualties. Good job, Major. अब तक तो तुम समझ गए होगे। ये सब हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश थी। Yes, sir. Bomb की location इतनी easy locate होने के बाद ही मुझे शक हो गया था। हमारा शक सही था। ये उसी terrorist group का काम है, जिसको तुम बहुत time से track कर रहे हो। मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आ गया है कि तुम उनके भेदी तक पहुँचने वाले हो। इसलिए इन्होंने ये सब किया है। But don't worry. अब हमारे पास उस भेदी की location है, द्वार घाट। ये है तुम्हारे मिशन की नई लोकेशन। ये भेदी यहीं कहीं छुप के बैठा है, तुम्हें इसे ट्रैक करके कैप्चर करना है। हो जाएगा सर। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, तुम यहाँ ट्रेनिंग कमांडर बन गया है। अंडरस्टूड सर। सो दैट किसी को शक ना हो कि तुम्हारा रियल मिशन क्या है। द्वारा घाट। हेलो हेलो कैमरा बाबू, तीसरी आंख इधर देखो, मेरी तरफ। ना मेरी चांद, तेरी शादी के लिए ढोली से लेके डोली तक सब कुछ रेडी कर दिया। अब आप पूछेंगे करुणा है कौन? मेरी बेस्ट फ्रेंड। तभी तो उसकी शादी की चिंता मुझे अपनी शादी से ज्यादा लगी रहती थी। खैर ये सब छोड़िए, आज किसी को नहीं छोड़ना है, सबको रिकॉर्ड करना है। आइए मेरे साथ, हम देखते हैं क्या क्या तैयारियां चल रही है, क्या क्या पकवान बन रहे हैं। चलिए। और खाने का तो पूछ मत। आहा, तड़के लग रहे हैं और पूरियां तो ऐसे फूल रही हैं जैसे फूफा जी का मुंह। यह है बंगाल के रसगुल्ले, हैदराबाद की बिरयानी, साउथ का इडली वड़ा, बनारस की कचौरी और पंजाब के भटूरे। आइए आइए जल्दी आइए, मैं आपको दुल्हन के पापा से मिलाती हूँ। यह है पापा नंबर 1, पापा नंबर 2, 3, 4, अरे वाह, और 5 भी यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दादा, कैसे हो भाई? अजी माफ कीजिएगा, दुल्हन के पिताजी शहीद हो गए ना? ओ देख पुत्र, हम फौजियों में एक उसूल होता है, अगर किसी का बाप शहीद हो जाए तो हम उसे अनाथ नहीं रहने देते। एक बाप की जगह हम पांचों मिलकर आए अपने लाडों का कल्याण कराने और दूल्हे का बैंड बजाने। बहुत बढ़िया भैया। अब हम पापाओं को थोड़ा सजने देते हैं। आइए आगे। ये है द्वार घाट की तितली गैंग, ये हर शादी में जाती है दूल्हा ढूंढने अपनी बेटियों के लिए। आ जाओ आ जाओ। ओह किरण आंटी नमस्ते। फिर करा ली ना बेइज्जती तूने, क्यों करते हैं ऐसा हर बार? ना खाना पचाने के लिए। दुल्हन के पापा के बाद अब मिले मेरे पापा से। पापा। हाय बोलिए। नमस्कार। चलो। करुणा मेरी जान, दूर से ग्लो कर रही है तू। बकवास बंद कर यार, एक तो मूड नहीं बन रहा। बेटे अब तेरा मूड हमारे साथ कहाँ बनेगा? चुप कर। मूड नहीं बन रहा मतलब माहौल नहीं जम रहा है यार। ओ माहौल अभी जमा देते हैं। आजा। अरे आराम से आजा। यार करुणा बहुत दर्द हो रहा है। एक सेकंड। यार मैं कैसे डांस करूंगी तेरी शादी में? यार बारात भी आने वाली होगी और ये पेन हो मम्मी। कहना एक सेकंड, चेक करने दे। मुझे डॉक्टर की जरूरत है यार, तू प्लीज बुला किसी को।
याद हो तो बताना, ओके? ओके ओके गहना, एक सेकंड। ओरे आराम से अच्छा ठीक, एक सेकंड मिल जाओ। वन टू हो गया, छोटी सी मोच है। क्रेप बैंडेज और 20-20 मिनट में बर्फ की सिकाई, आराम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो एक्सरे होगा। ओह नो, घबरा मत गहना, हो सकता है तेरी एड़ी की हड्डी थोड़ी सी डैमेज हो। तुम्हारी कभी कोई हड्डी टूटी है? मेरी नहीं तो। घूरो मत वरना टूट सकती है। पता है कौन है वो? डॉक्टर ज्योति कश्यप, मेरी बेस्ट फ्रेंड और पूरे द्वारघाट की शान है वो। करुणा तू यहाँ। ज्योति वरमाला। हाय मैं तो भूल गई। I'm so sorry बेटा, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं, कपड़े चेंज करके जाना पड़ेगा। गुलदस्ता फूल भंडार, तहसील रोड द्वाराघाट, कोड नेम नारंगी गेंदा फूल। हाँ करुणा, तेरी ड्रेस एकदम फिट आ गई है, मैंने चेंज कर लिया। मैं यूं गई और यूं आई, ओके? अरे यार मेरी चप्पल कहाँ गई? क्या हुआ ज्योति? अवाल लोचा फोपा सब कुछ एक साथ हो गया, मैं वरमाला लाने ही भूल गई। किसी चोटी ने ना मेरी चप्पल चुरा ली है। कोई बात नहीं, तू मेरी पहन ले, ये ले। अरे फिर आप नंगे पैर? वैसे भी लोग कहते हैं कि कभी कभी गलत पैर की जूती पहन लो ना तो सही मंजिल तक पहुंच जाते हैं, गुड लक होता है। फिर तो आप दे ही दो वरना करुणा ना जरा दन देगी। मैं आई। अरे अरे शॉल भी लेती हूँ, जा बाहर ठंड होगी। थैंक यू। अरे हाय हाय, सज रही गली तेरी अम्मा, सुनहरे गोटे में गोटे में रूपेरी गोटे में। हाय हाय मेरे फिल्मी हीरो, हमारी दुआ लेके जाओगे तो आसमान चुमाओगे। शागुन करके जा बाबू, सुबह से भूखे पेट गाला सूखा गले से हम गाना गा रहे हैं। सुनिए इन्हें छोले खिला देना। हमेशा खुश रहो। Excuse me, आपको गुलदस्ता फूल भंडार पता है कहाँ है? वरमाला दिखाएंगे? दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम ताजे चुने हुए फूल हैं। नहीं वरमाला में सफेद फूल नहीं चाहिए। गुलदस्ता फूल भंडार। बोलिए सर क्या चाहिए? नारंगी गेंदा फूल वाली वरमाला। जी सर, लीजिए सर। कितना हुआ वरमाला का? नहीं मैडम, मैडम ये सर ले चुके हैं। तो इन्हें दूसरी थमा दो ना, इन्होंने पैसे तो दिए नहीं है। मैं दे रही हूँ, और टोकरी मुझे दो। मेरे 2000, ये फूल मेरे हैं। क्यों? तुम्हारे बाग से आए, माली हो। टोकरी छोड़ो। तुम छोकरी से छीन नहीं पाओगे। देखो मैं भी शराफत से बोल रही हूँ, अगर जोर जबरदस्ती पे आ गई ना तो फिर भी छीन नहीं पाओगी। लेडीज से कैसे बात करते पता नहीं है? लेडीज फर्स्ट होता है। हाँ पता है, टॉयलेट की क्यू में
देखो मिस्टर, तुम जैसों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो तो आज मैं जल्दी में हूँ, वरना ना मैं दिखाती कि मैं कितनी बदतमीज हूँ। बदतमीज तुम हो, छोड़ो इसे, निकल छोड़ो। ये दड़ियल बहुत दड़ियल है, इसे हार नहीं मानेगा। कुछ सोच ज्योति, जल्दी जल्दी कुछ। मुंह से इतनी गंद बकते हो और कपड़े इतने साफ, ये तो सरासर धोखा है ना। रास्ता छोड़ो मेरा, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ना बोधी, क्या ब्रिगेडियर साहब का बेटा भी आया है? किधर है वो? यार तो सियाचिन की ठंड झेल कर आया है। अब तक तो लत लग गई होगी। नहीं यार, बुरी चीजों की लत नहीं लगती मुझे, बस शराफत अपनी तरफ खींचती है। दिल की सच्चाई, सादगी, वो बहुत खूबसूरत लगती है यार मुझे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मैं सब सुन रही थी। आपको भी लत लग गई, ये गाना बहुत पसंद है ना, तो हम उस पे साथ में डांस करें। बेटा तुझे लग लगेगी नहीं, पड़ेगी। क्या कर रही है बेटा? तू नहीं गा रही ना, तभी तो संगीत इतना फीका जा रहा है। छोड़ ये तोरण वोरण बनाना, चल चल के गाना गा ले। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मेरा गाना गाने का बिल्कुल मन नहीं है। कभी कभी ना अपने मन को मनाना पड़ता है, अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जो ये मान के बैठे हैं कि आप उनकी खुशी के लिए सब कुछ करोगे। मैं जानती हूँ हम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खोई है, पर अब सब कुछ भुला के मुस्कुराना पड़ेगा ना। फौजियों की औरतें हैं हम बेगम हावी हो सकता है, पर हमें हरा नहीं सकता। चल आजा। Sorry, तो मिली क्या? लेकिन उसके हाथ में वरमाला थी, इसका मतलब वो आस पास ही किसी शादी में गई। ऋषभ, पता करो इस शहर में कहां कहां शादियां हो रही। सैंडल वाली का मिलना जरूरी है। उस वरमाला में पेनड्राइव है जिसमें उस टेररिस्ट से जुड़ा राज है, और इसलिए उसका मिलना जरूरी है। हमारा दोबारा मिलना भी जरूरी है। वाह जी पुत्र जी, आपने तो महफिल सजा दी। हाँ, सफेद रंग मिसेस बल्ला, बड़ा ही मनहूस होता है ये रंग। हम तो शादी के घर में दुल्हन के आसपास फटकने भी नहीं देते सफेद रंग। हाँ ये अपशगुन होता है, क्या फायदा इसी मनहूसियत फैलाने का। मॉम प्लीज। तू चुप रह, मैं दुल्हन को देने वाले कपड़ों के बारे में बात कर रही थी। जो आपको फीके लगे, मतलब किसी की आंखों में नहीं चुभेंगे। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी कहीं इनके रंग भी आपकी लाल भड़कीली साड़ी जैसे होते, तब तो हो जाता, मोहल्ले के सारे सांड भड़क जाते। ज्योति, ये क्या तरीका है? उन्होंने तुझे थोड़ी कुछ सुनाया था। और मुझे सुनाया होता तो मैं सह लेती, मगर उन्होंने आपको सुनाने की हिम्मत की, मेरी भाभी को, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे चोर चोर चोर, आई चोर। बदमाश मवाली, तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गए। पुलिस को बुलाओ जल्दी।
जब तक इसे पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे ना, ये चोर ऐसे मानेगा नहीं। ज्योति मेजर आर्यन, कैप्टन वरुण। ज्योति भेव, मेजर आर्यन है, कल ही इनकी द्वारा घाट में पोस्टिंग हुई है। सॉरी सर, वो ज्योति को शायद कोई गलत फहमी हुई है। वरुण, इसकी गलती की तू क्यों माफी मांग रहे? हेलो जी, हेलो, माई सेल्फ मिसेस किरण मेहरा, प्यार से लोग मुझे मिसेस ब्रिगेडियर भी कहते हैं। नाइस टू मीट यू। हेलो बॉ, ए की कपड़े कितने गंदे हो गए आपके, कैसे हो गया? जी वो रास्ते में एक जंगली बिल्ली मिल गई थी। बिल्ली नहीं, शेरनी होगी वो, बाहर अंधेरा बहुत है ना, तो आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। हाँ, फौजियों में तो सूबेदारों का इच्छा दिखता है। और जी इसके पापा सूबेदार से आगे बढ़ ही नहीं पाए। एक भाई था मेजर, पर वो भी नहीं रहा। सुना है ड्यूटी पे ही किसी ने गोली मार दी उसे। ज्योति, मैं वरमाला लेके आती हूँ।